सो ये गाइस वेलकम टू हाउस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो जो है होने वाला है बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर पीसी इन 2019, जो कि फ्री हो, थोड़ा सा एडिटिंग भी हो जाए, लाइव स्ट्रीम भी हो जाए और रिकॉर्डिंग भी हो जाए, वो भी HD के ऊपर। तो आओ लिखते हैं भाई सिंपली OBS, यानी कि ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको स्ट्रीम करना है तो स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो बहुत ईजी है, जल्दी से कर लेते हैं इसको डाउनलोड। और डाउनलोड 66 MB की एक फ़ाइल है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। अगर इसके इंटरफेस और देखें वेबसाइट के ऊपर तो आपको इसका बेसिक्स यूज़ करने का भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। बट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर हम HD के ऊपर रिकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं और क्या यह सॉफ्टवेयर फ्री है या बाय करने का या पेड है। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं देना। लो अगर आप इसको डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर जाके कंट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे और ये आपको एक वेबसाइट दे देगी। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ओपन कलेक्टिव स्पॉन्सर्स ये हैं वैसे, बट अगर आपको डोनेट करना है तो आप डोनेट कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल, हमारा जो फाइल डाउनलोड हो रहा है तो वेट करते हैं डाउनलोड होने तक। तो वेलकम बैक गाइज, हमारा जो OBS स्टूडियो है वो डाउनलोड हो चुके हैं, यानी कि ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसको मैं ग्रांट करता हूँ येस और नेक्स्ट, आई एग्री नेक्स्ट। और जैसे प्लग इन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको प्लगइन्स यूज़ करने हैं तो कैमराज के लिए हैं। तो जिस हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है कैमराज़ के लिए बाद में भी ये खुद बखुद इंस्टॉल कर लेगा, बट हमें बेसिक करना है। तो जैसे हमें HD क्वालिटी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए तो जैसे आपको इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैन्युअली इंस्टॉल कर लेना है जो उसकी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसके ऊपर। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल हमारा आई थिंक होने जा रहा है। OBS स्टूडियो 23.2.1 इसका वर्जन है अभी के लिए, आप इसको लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद। तो हेयर इज़ हमारा लॉन्च OBS स्टूडियो है। तो फिनिश करता हूँ, बेसिकली मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग की पर्पज़ के लिए, बट ये एक बेहतरीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो ये कह रहा है वीडियो लाइक टू रन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजिट, यू कैन ऑल्सो मैन्युअली कॉन्फ़िगर योर सेटिंग्स बाय क्लिकिंग द सेटिंग बटन इन द मेन विंडो। तो मैं इसको ऑटो भी जाऊंगा, बाद में मैं इसको मैन्युअली भी अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगा। तो एक नंबर वन पे कह रहा है ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी, ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग आई विल नॉट बी स्ट्रीमिंग। तो मैं फिलहाल ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ इसको स्ट्रीमिंग के लिए, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रीमिंग पर्पज़ के लिए डाउनलोड किया है। तो नेक्स्ट करते हैं और इधर ये आपको दे रहा है इसका स्पेसिफाई डिज़ायर वीडियो सेटिंग वुड यू लाइक टू यूज़। तो मैं जो डिस्प्ले है मैं वो टोटली इसको सेटअप करूँगा। उधर मुझे कह रहा है 60 FPS और 30 FPS, मैं करूँगा ये दोनों ही जो भी पॉसिबल हो वो अपलोड होना चाहिए चैनल के ऊपर। तो डेट्स ऑल, इसे नेक्स्ट करते हैं। और मुझे सर्विस चाहिए हमारे यूट्यूब के ऊपर, और बाद में अगर इसको चेंज करना है तो वो भी मैं इसका एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊँगा। सेकेंड वीडियो में भी जा सकते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कैसे उसका कॉन्फ़िगरेशन है और फेसबुक के ऊपर और ट्विच के ऊपर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी के लिए यूट्यूब पे चलते हैं और इसका मैं स्ट्रीम लिंक जो है वो हमें चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा। ओ आई थिंक मैंने अपना चैनल एनेबल नहीं किया, तो लेट मी शो यू, मैं आपको एक और चैनल का लिंक दिखा देता हूँ। अगर जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल के इस ऑप्शन में जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग स्ट्रीम नाउ के ऊपर, तो अब इसको स्क्रॉल कर नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा स्ट्रीम नेम की। तो इसको रिवील करेंगे तो आपकी की शो हो जाएगी, तो उसको रिवील करके आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं इसको जल्दी से रिवील करके कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा हाइड, ये शेयर करना अलाउ नहीं है, आप भी मत शेयर कीजिएगा कभी भी। इधर आपने बिट रेट, अगर आप स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बिट रेट आपने वो रखना है जो कि अगर आपका अपलोडिंग स्पीड 3 MB है तो आप उसको 2500 फ्रेम के ऊपर रखें। अगर आपकी 4 से अबव है या मीन 5000 है तो आप 35 या 4000 के ऊपर रखें ताकि आपकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी अच्छी रहे। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और ये अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मेरे चैनल के ऊपर स्ट्रीम भी करेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये अभी टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग स्ट्रीम इन कॉर्डर दिस में टेक अ मिनट और अनदर लाला जब ये करेगा। तो ये तो हो गई इसके ऊपर स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आपको चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जस्ट आपको आपको जो मेन डिस्प्ले करना है आपको स्क्रीन कॉर्ड ऐड करेंगे और जैसे हम करेंगे अपना डिस्प्ले कैप्चर, ओके, और ये डिस्प्ले आ गया ओके। अब जैसे जल्दी से इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर लो तो ये आपकी रिकॉर्डिंग होना चालू कर देगा। देख लो मैं करके दिखा दूँ आपको, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, हेलो हेलो रिकॉर्डिंग टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। स्टॉप करता हूँ, अभी ये जाएगी कहाँ पर वो मैं बता देता हूँ।
आप जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ओ सॉरी, आप जाएंगे वीडियोस में और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपकी स्ट्रीम या जो रिकॉर्डिंग होगी, ये जो फाइल देखने को मिल रही है, मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ तो ये FLV फाइल करेगा। स्टार्ट तो रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग टेस्टिंग, 1 2 3, 1 2 3। गाइज यू कैन सी कि ये हमारी रिकॉर्डिंग है, और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी इस तरह की और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिल जाएँ। तो चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सेटिंग्स में जाएंगे, अभी एक और सेटिंग्स बाकी है, नेक्स्ट वीडियो भी है ऊपर इसके ऊपर है, ऑब्वियस सेटिंग्स के ऊपर, बट इसमें हम जैसे अपने आउटपुट दिखाएंगे आपको कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो देखें रिकॉर्डिंग क्वालिटी सेम एज स्ट्रीम लिखा है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आप MP4, MPKV और अदर फॉर्मेट भी कर सकते हैं, सेम एज स्ट्रीम और हाई क्वालिटी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद उसको आप कर देंगे ओके और वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। तो डेट्स ऑल, ये थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।